पानीपत कौमी राजधानी दिल्ली तो तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक इतिहासिक शहर, कई इतिहासिक लड़ाइयों का गवाह। पानीपत विच होईयां बाबर हुमायूं ते इब्राहिम लोधी वर्गे योधियां दी लड़ाई ने भारत का इतिहास बदल दिता। इत्थे मौजूद सदियां पुरानी इतिहासिक विरासतां अज भी पानीपत का महान इतिहास नूं बयान करदियां हन। पानीपत विच कलंदर शाह की दरगाह के दर्शन लई विश्व भर तों शरधालू झोली फैलाए आउंदे ने, पर अज पानीपत ने एक वक्री पछाण बनाई है। इस जिले नूं देश दा टैक्सटाइल हब कहा जांदा है। इकल्ले पानीपत जिले तो 7.5 हज़ार करोड़ रुपए के हैंडलूम उत्पाद सालाना विश्व भर में निर्यात किए जाते हैं। 1948 से पानीपत में हैंडलूम की शुरुआत हुई और यहाँ के व्यापारी और उद्योगपति की कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप पानीपत नगरी ने कभी वापस मुड़ते नहीं गए। आज परिस्थितियाँ यहाँ तक पहुँच गई हैं कि 7.5 हज़ार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट पानीपत से सालाना होता है हैंडलूम गुड्स का। अगर डोमेस्टिक की बात करूं कि जो कपड़ा, जो फर्निशिंग फैब्रिक्स, बेडशीट, पिलोज, कर्टेन क्लोथ्स जो यहां बनता है उसका लगभग 10 हज़ार करोड़ रुपए का डेली व्यापार है जो हिंदुस्तान के हर कोने तक पहुँचता है। आज़ादी तो बाद ही पानीपत विच हैंडलूम का काम जोरां ते चल रहा है। इत्थे बने कंबल पूरी दुनिया विच पसंद किए जाते हैं, पर हुण पानीपत रिसाइकल धागियां लई विश्व पदरी पछाण बना रहा है। साल 1987 विच ओपन इंडस्ट्री का आगाज होया सी। उस समय तो हुण तक पूरी दुनिया विच पानीपत तो धागा एक्सपोर्ट किया जाता है, ते अज आलम यह है कि पानीपत धागे रिसाइकल करन विच दुनिया विच पहले नंबर ते है। जब यहाँ ओपन एंड इंडस्ट्री की शुरुआत हुई तब कानपुर, अहमदाबाद टेक्सटाइल का मैनचेस्टर गिना जाता था, परंतु आज ये परिस्थिति है कि पानीपत में ओपन एंड इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में नंबर वन पे। हम ना केवल पूरे हिंदुस्तान को धागा सप्लाई करते हैं पानीपत से, बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं। वैसे तो पानीपत तो पूरी दुनिया विच धागा भेजा जाता है, पर श्रीलंका, नेपाल, रूस, अमरीका, जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड, फ्रांस, बुल्गेरिया, बेल्जियम वर्गे मुल्कां विच सब तो वध निर्यात हुंदा है। पानीपत विच लगभग 400 स्पिनिंग मिलां रोज़ाना 20 हज़ार किलो धागा बनाउंदियां हन। इत्थों दीआं स्पिनिंग मिलां विच ज़्यादातर कॉटन दे ते पॉलिएस्टर धागियां दीआं किस्मां तैयार कीतियां जांदियां हन, जिसकी 20% वरतों पानीपत के उद्योग विच ही कर ली जाती है। इन्हां धागियां नाल डोरमैट, कैनवस, परदे, चादर, फर्नीचर फैब्रिक ते हज़ारां तरीकों के टैक्सटाइल उत्पाद तैयार किए जाते हैं। स्पिनिंग भी बहुत है, ब्यूटी इज़ देयर। पानीपत की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि स्पिनिंग इज़ देयर एंड फैब्रिकेशन इज़ देयर। धागा भी यहाँ बनता है तो कपड़ा भी बनता है। बहुत जैसे स्टेशन हैं इंडिया में भी, वर्ल्ड में भी, वो केवल स्पिनिंग बनाते हैं या फैब्रिकेट करते हैं, हमारे यहाँ दोनों थे। पानीपत दियाँ कताई मिलां वख-वख देशों तो लखा टन वरते कपड़े मंगाउंदियां हन। रंगा दे हिसाब मुताबक उन्हां दी छंटाई कीती जांदी है, फिर उन्हां कपड़ियां तो रूह बनाया जांदा है, फिर वो रूह मशीनां राही धागा बनाउण लई वरत्या जांदा है। इस प्रक्रिया विच नवा धागा बनाउण लई बहुत घट खर्च आउंदा है। यही कारण है पानीपत जिला विश्व पदरी धागा इंडस्ट्री विच इन्ना मशहूर होया है। इत्थे जो धागा बनाया जाता है उसकी कीमत इन्नी घट हुंदी है कि दुनिया भर के होर बाज़ार इन्नी घट कीमत के धागियां नूं रंगण विच असमर्थ हन। कि आगे आने वाला टाइम रिसाइकल का बहुत ज़्यादा है, इसकी कॉस्ट केवल रंगाई के धागे के रेट में जो रुई का धागा लेते हैं, अगर उस धागे को रंगाई करते हैं उतने में हम धागे ही दे देते हैं, रंगाई की लागत लागत में हम लोग धागा दे देते हैं। बहुत कम कॉस्ट वाला धागा है जो पानीपत में बनता है। तो हानू ये जान के हैरानी होएगी कि आज पूरे देश दे धागा रिसाइकलिंग दे 80% उद्योग पानीपत विच हन। जिले विच तकरीबन 400 स्पिनिंग मिलां रोज़ाना 20 हज़ार किलो सूत का उत्पादन कर दिया हन, जिसका रोज़ाना 500 करोड़ का टर्नओवर है।
पानीपत का धागा रिसाइकलिंग उद्योग लगभग 4000 लोगों को रुजगार दिता है। अजिहे हालात में जो पानीपत को धागे का शहर कहा जाता है तो इस विच कोई अतिकथनी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। To watch 24/7 News Live, download ETV Bharat app.